हेलो मेरे हीरो भाई लोग, कैसे हो दोस्तों। अक्सर हम लोग इस बॉल से क्रिकेट खेला करते हैं, पर आपको जब जान के पता लगेगा कि ये क्रिकेट बॉल एक्चुअल में होता नहीं है दोस्तों, इसे टेनिस बॉल बोलते हैं और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी काफ़ी अद्भुत है। जब मैंने देखा तो सोचा क्यों नहीं इस पर वीडियो बनाया जाए। दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप मत करना, काफ़ी छोटा वीडियो है। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल का टैगलाइन प्रयास है, तो हमारे प्रयास रहती है आप तक अच्छे वीडियो सबसे पहले पहुँचाने का। तो अभी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए दोस्तों। दोस्तों इसको बनाने के लिए रबड़ का जो होता है पेस्ट बनाते हैं, वो एक मशीन होता है जिसमें हम लोग रबड़ डाल के उसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के बाद वो कुछ शीट की तरह बन जाता है, उस शीट को हम लोग ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए उसको सुखाने के लिए हम लोग ऐसे रख देते हैं। सुखाने के बाद इसको हम लोग कट करते हैं पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में। इसे कट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक साँचा होता है, इस साँचे में इस पीसेज को बिखेर देते हैं। उसके बाद प्रेशर मशीन से प्रेस कर देते हैं, इससे ये पूरा बॉल नहीं बनता, ये आधा बॉल बनता है और दिखने में कुछ इस तरीके का हाफ बॉल आपका बन के रेडी हो जाता है। इसके बाद इसको सजा देते हैं, पर इसके बाद इसको हाफ बॉल को निकालने के लिए कटर मशीन की आवश्यकता होती है। जैसे आप देख पा रहे हो कि कटर मशीन के द्वारा ये कट हो गई, तो ये हाफ बॉल आपका बन के रेडी हो गया है। लेकिन आधा बॉल से पूरा बॉल बनाने के लिए इसको चिपकाना पड़ता है, तो हमें ग्लू की मदद लेनी पड़ती है। जैसे आप यहाँ पे देख ले रहे हो कि आधे बॉल को ग्लू की मदद से लगा के चिपका के इसको फुल बॉल बना दिया गया। ये जो आपके पास मशीन होता है ये भी प्रेशर मशीन ही होता है, इससे प्रेशिंग करके आधे आधे बॉल को जोड़ के पूरा बॉल इस तरीके का बना दिया जाता है। अब इसका लास्ट ऑप्शन बच जाता है इसको कवरिंग करना। फिर इस बॉल को साँचे में अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है और कवर करने के लिए आपको अगर ग्रीन करना है तो ग्रीन कलर के जो क्लॉथेज आते हैं, जो इसके कपड़े आते हैं, उसको हम लोग को कट करना होता है। एक बॉल के लिए अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इस तरह मशीन में सजा देना होता है। मशीन में सजाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे होगा, तो उसे बराबर कर देना होता है। बराबर करने के बाद इसमें हम लोग गम लगाते हैं, या तो फेविकॉल जैसा आपको ये कुछ दिख रहा है, इस फेविकॉल के मदद से एक्चुअली में उसको शार्ट देते हैं। क्योंकि हम लोग जब खेलते हैं क्रिकेट तो आप देखते होंगे कि ये कपड़े आके उधेड़ जाते हैं, तो ये जो फेविकॉल के मदद से उसके कपड़े में ऊपर से लग जाते हैं। लगने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको मैन पावर की आवश्यकता होती है। एक बॉल को आप डालोगे, मशीन ऑटोमेटिकली उसको कवर अप कर देगा, पर ये तो केवल कवर अप हुआ। पर हम लोग जब बॉल खेलते हैं तो उसमें देखते हैं व्हाइट कलर का एक ऊपर से लाइन आता है, उसके लिए इस मशीन की आवश्यकता होती है। अब आप देखोगे कि ये बॉल आपका पूरी तरह बन के तैयार। पर अगर आप इस पर ब्रांडिंग करना चाहते हो तो इस पर आप अपने नाम से इस तरीके का स्टिकर मुहर लगवा सकते हो। कॉस्को वाले भी अपने स्टिकर लगवाते होंगे। और उसके बाद बच जाती है पैकेजिंग, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट की मदद से पैकेजिंग हो जा रही है, और पैकेजिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके का कार्टन में पैक होके बाहर बिक जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों अक्सर हम इस चैनल पर आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी कमेंट और सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। कल भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो डालें, वो जाके आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।